बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के चुनाव में महज 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने वोटरों पर अपने राजनीतिक पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। इस बीच एनडीए के लिए बिहार के अखबारों में पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपवाया गया। इस विज्ञापन में गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और चुनावों में एनडीए की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। विज्ञापन में सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। विज्ञापन में लिखा है, भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। विज्ञापन के ऊपर एनडीए के सभी घटक दलों का चुनाव चिन्ह लगाया गया है, लेकिन सीएम चेहरा होने के बावजूद नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। ये विज्ञापन बिहार बीजेपी की तरफ से प्रकाशित करवाया गया है। बिहार बीजेपी के भी किसी नेता की तस्वीर विज्ञापन में नहीं है, यानी बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के नाम के भरोसे ये चुनाव जीतना चाह रही है, जबकि उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी ने विज्ञापन में चुनावी घोषणा पत्र के कुछ वायदे भी लिखवाए हैं। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस विज्ञापन पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के साथियों का नीतीश जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन के लिए ईमानदार है, वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए। आपको बता दें कि चुनावी गहमागहमी में लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक और चुनावी चाल चल दी है। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी को वोट डालें। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लोजपा के साथ नीतीश कुमार की पुरानी अदावत रही है। इसी अदावत के चलते उन्होंने पासवान जाति को महादलित श्रेणी में शामिल नहीं होने दिया। वहीं 15 साल से शासन कर रहे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार विरोधी लहर भी एक बड़ा मुद्दा है। चुनावों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, इसलिए चिराग आने वाली स्थितियों का आकलन कर संतुलित तरीके से बीजेपी से भरपूर प्रेम जता रहे हैं। वो वोटरों को लगातार ये आभास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लिए बीजेपी तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार खराब है। बहरहाल चिराग की रणनीति देखे तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश से नाराज लोगों और बीजेपी समर्थकों का वोट मिल जाए, अपनी इसी रणनीति को और धार देते हुए अब अपने समर्थकों से अपील की है कि जिन स्थानों पर लोजपा के उम्मीदवार नहीं है, वहां पर वो बीजेपी को वोट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।